मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हमें जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ा। इसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि जम्मू में हमारी पेरेंट एसोसिएशन की कोई सुनवाई नहीं है। आज 10 महीने हो चुके हैं हमें प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन इन प्राइवेट एंड CBSE स्कूलों की जो लूट है ये बंद होने का नाम नहीं ले रही, जबकि सेंट्रल सरकार नए कानून बनाने पे लागू कर रही है। लेकिन मैं उनको बता दूं कि आप नए कानून तो बना रहे हो, जब आपका हाई कोर्ट का आर्डर ही नहीं माना प्राइवेट और CBSE स्कूलों ने, जब आपके डिपार्टमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू है, जब डायरेक्टर एजुकेशन कमिश्नर सेक्रेटरी ने आपका आर्डर नहीं माना, तो नए कानून बना के क्या करोगे। तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं आज दिल्ली में आकर जंतर मंतर मोदी साहब से कि आप जब तक एजुकेशन और हेल्थ के लिए कुछ ना करेंगे, जब तक आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू है इनकी हरासमेंट है, इनके प्राइवेट CBSE स्कूलों की हरासमेंट है, इनकी धांधली है, इनके अटैचियों के रिश्ते जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है 9% फीसों को इंक्रीज लेकर, चलो मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में उनको स्टे मिला, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अफसोस ये होता है कि इस साल भी जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 25-30% फीसें फिर बढ़ाई जा रही हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट टैचियों का रिश्ता निभाने में सबसे आगे है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से आज जंतर मंतर में हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हमें विश्वास है कि हमारी बात मोदी साहब तक पहुँचेगी और हमें बड़ी उम्मीदें हैं मोदी साहब से कि अगर वो देश के लिए काम कर रहे हैं तो आज उनको जम्मू में एजुकेशन में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा नेक्सस जो माना गया है वो आज के टाइम में एजुकेशन का है, क्योंकि आम आदमी की ज़रूरत जो है वो एजुकेशन हो चुकी है। एजुकेशन जम्मू कश्मीर, एजुकेशन जम्मू।